सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की वेबसाइट, अब सार्वजनिक रहेगी एंटी भूमाफिया की पूरी जानकारी। अभियान पोर्टल पर एंटी भूमाफिया स्क्वाड द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई की होगी पूरी जानकारी। पीडब्ल्यूडी घोटाले में केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एलजी ने दिए जांच के आदेश। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीडब्ल्यूडी घोटाले में 3 एफआईआर की हैं दर्ज। डीएसपी की पीट पीट कर हत्या मामले में एसआईटी हुई गठित, 3 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। जामिया मस्जिद के बाहर सुरक्षा में तैनात थे डीएसपी। जाट नेताओं और राज्य सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू, आंदोलन के चलते रेल यातायात बाधित। कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह और सरकार के प्रतिनिधि होंगे शामिल। आतंकी हमले का अलर्ट जारी, आतंकियों के निशाने पर विदेशी सैलानी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को आतंकी हमले का भेजा इनपुट, भीड़भाड़ वाली जगहों और बाजारों को बना सकते हैं निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। दून के नगर निगम में हुए रिक्शा घोटाले पर निगम के जिम्मेदार वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने इस पर अपनी सफाई दी है। इनका साफ तौर से कहना है कि निगम की टेक्निकल कमेटी की स्वीकृति के बाद ही इन रिक्शों को खरीदा गया है। दरअसल घर घर से कूड़ा एकत्रित किए जाने को लेकर नगर निगम ने 50 साइकिल रिक्शे की खरीद की थी, लेकिन यहाँ पार्षदों का कहना है कि जो साइकिल रिक्शा लिए गए हैं उन्हें कई कंपनियों के पार्ट्स से असेंबल किया जा रहा है और इन पार्ट्स की क्वालिटी बहुत ही खराब है। वहीं बाजार में इस रिक्शे की कीमत 6 से 7 हज़ार रुपये है और निगम के अधिकारियों ने कमीशनखोरी के चलते इसे 11,500 रुपये में खरीदा है। अब निगम के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी कैलाश गुंजियाल ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि निगम की टेक्निकल टीम की स्वीकृति के बाद ही रिक्शे खरीदे गए थे। देखिए, पहला सवाल तो यह है कि ये जो जिसको घोटाला कहा जा रहा है, एक्चुअली ये इसको एक प्रकार से ये कहा जाएगी बिना किसी आरोप के किसी को ये सिद्ध करना कि ये घोटाला हुआ है। और दूसरी चीज़, रिक्शे से खरीद के संबंध में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टेक्निकल कमेटी है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, उनके स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही रिक्शे का क्रय किया गया है और उसी के अनुसार ही हमने टेंडर किया है। और टेंडर में जितनी भी पार्टीज़ ने भाग लिया है उस पर जो L1 जो हमारा आया है, जो जिस रेट पर जो स्वीकृति हुई है, उसको हमने ऑर्डर दे दिया है। और पूर्व में भी यहाँ रिक्शे खरीदे गए, वो भी इसी विधि के अनुरूप हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है कि पार्ट्स अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसमें मेरा कहना है कि जो भी पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रिक्शा असेंबल होके ही बनता है, तो जो भी पार्ट्स लगा रहे हैं उत्तम क्वालिटी के ISI मार्क के हैं और जो हम लोगों ने शर्तों पर लागू किया हुआ है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने 100 दिन पूरे होने वाले हैं, ऐसे में जहां बीजेपी इन 100 दिनों में किए गए कार्यों को एक बड़ी उपलब्धि मान रही है, वहीं कांग्रेस ने इन 100 दिनों को फेल करार दिया। बीजेपी के लोगों का कहना था कि सरकार ने इन 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय तो लिए, साथ ही कई जनहित के कार्य भी किए गए, जिन्हें लेकर जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। जिसके अलावा देहरादून का नाम स्मार्ट सिटी में आने को भी बीजेपी के लोग सरकार की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। साथ ही दून को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम को भी सराहनीय कदम बताया जा रहा है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के 100 दिनों को फेलियर करार दे दिया है। सरकार के 100 दिन बिल्कुल निराशाजनक गए हैं और जब से सरकार बनी है, जितने भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाएं की गई थी उनके सारे काम रुक गए हैं। चाहे मन्नूगंज के नाले का काम रहा हो, नदी रिश्ना और बिंदाल में पुस्तक का काम रहा हो, सामुदायिक भवन का रहा हो, रैन बसेरे का रहा हो, यसीवर का काम रहा हो, लगातार सारे काम इन्होंने बंद कर दिए हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो बालिकाओं को एक बालिका होने पर 50,000 और दूसरी बालिका होने पर 50,000 रुपये मिला करते थे, उन्होंने एक बालिका के कर दिए हैं। वृद्धा की अनेकों योजना जो चल रही थी उनको घटा दिया गया है। राशन व्यवस्था आप देख लो, रेट बढ़ा दिए गए हैं, चीनी गोल कर दी बिल्कुल, और चावल और वो उसमें कटौती कर दी है। इसके अलावा जितने भी काम निर्माण कार्य चले थे सब में कटौती की है। तो क्या है 100 दिन? 100 दिन तो हम देख रहे हैं कि अभी 100 दिन में जब इन्होंने ऐसा बुरा हाल कर दिया तो आगे पता नहीं क्या क्या। नहीं, सरकार के 100 दिन बहुत ज़्यादा हलचल तो नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सरकार ने अच्छा कार्य किया है। जैसे शहरी विकास मंत्री ने देहरादून में चौड़ीकरण के लिए और जो भी आपका स्मार्ट सिटी का उन्होंने प्रपोजल दिया था तो केंद्र सरकार ने उसको पास किया, तो देहरादून के सौंदर्यीकरण के लिए अच्छा काम किया है, तो एक सरकार की उपलब्धि मानी जा सकती है। दूसरा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, शिक्षा मंत्री ने भी जो स्टेटमेंट अभी तक दे रहे हैं उनके हिसाब से अगर काम हो तो शिक्षा में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सरकार जैसे प्रतिदिन, जैसे कल 100 दिन होने जा रहे हैं
इस सरकार को और जो केंद्र से जो हमें तोहफा मिला है स्मार्ट सिटी का, मेट्रो सिटी का, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, हम लोग मॉल देखते हैं, हर चीज़ जो सुविधा जो मिलती है वही आने वाले समय में देहरादून में हमको मिलने जा रही है। और जो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी की जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की जो बात करी है उन पर वो खड़े उतरते जा रहे हैं। देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र और डोईवाला में हुई डकैती में पहले ही 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है, जिसे मुख्य आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था, जिसके लिए पुलिस की टीमों ने उसको पकड़ने के लिए लगातार कई जगह दबिशें दी थी। 23 जून को पुलिस को सूचना मिली कि इसके लिए भानियावाला तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया गया है। जांच में मालूम हुआ कि वो डकैती में शामिल फरार मुख्य आरोपी है। देखिए, ये डोईवाला में जो डकैती हुई थी उसमें ये एक अभियुक्त वांछित था जो पूछताछ में बाकी लोगों से सामने आया था। इसका नाम सागर है, सागर चौधरी उर्फ जहांगीर, पुत्र सपन चौधरी, और ये बांग्लादेश का रहने वाला है। ये थाना मोरलगंज, जिला बागरहाट का। इसके बारे में हमें जो जानकारी बाकी अभियुक्तों से मिली थी उस बेसिस पर इसके पीछे एक टीम लगाई गई थी और ये अलग अलग जगह पर छिपता फिर रहा था। ये यहाँ से जो है फरीदाबाद भी इसके बारे में पता चला था, वहाँ पे भी टीम दबिश दे रही थी। मेवात में भी इसका पता लगा था, तो मेवात भी टीम गई थी, इसके पीछे लगातार टीम चली रही थी। इसी क्रम में ये जो है यहाँ कल शाम को जो है चेकिंग जब की जा रही थी तो ये भानियावाला से इसको गिरफ्तार। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शिक्षा की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए आज सूबे के वित्त सचिव से जवाब मांगा है, जिस पर वित्त सचिव ने कोर्ट को बताया कि इस विषय में उचित कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि शिक्षा विभाग में अनियमितता के मामले में न्यायालय के आदेशों का पालन न करने की शिकायत पर न्यायालय ने कल सूबे के वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए थे। गौरतलब है कि बीते दिनों देहरादून निवासी दीपक राणा की सर्विस संबंधी याचिका में स्वतः संज्ञान लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा के स्तर में गिरावट से नाराज खंडपीठ ने आदेशों का पालन नहीं होने तक विभाग के समस्त अधिकारियों के सभी लग्जरी आइटम जैसे लग्जरी कार, एसी, वाटर प्यूरिफायर आदि की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिस पर आज न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री से इस विषय में बात कर बुधवार तक कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाए। फाइनेंस सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी दोनों मौजूद थे और महाधिवक्ता महोदय भी मौजूद थे। महाधिवक्ता महोदय दोनों सचिवों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने यह उचित समझा कि एक बार महाधिवक्ता महोदय जो हैं वो हाईएस्ट लेवल पे सरकार में बात कर लें और कोर्ट को अप्राइज करें कि कम से कम कुछ तो काम शुरू करें जो ऑर्डर किया है, क्योंकि जो ऑर्डर है वो जनता के लिए और बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये न्यायालय का मुख्य बिंदु है और जिस पे माननीय महाधिवक्ता साहब ने भी एश्योर किया है कि वो सरकार में सर्वोच्च शक्ति। तो ये मोबाइल वैन में शराब बेचने के फैसले ने बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी कराई है। एक ओर जहां लोगों ने इस फैसले का विरोध किया है तो दूसरी तरफ कांग्रेसियों को भी सरकार की आलोचना करने का मौका मिल गया है। हल्द्वानी में भी कांग्रेस प्रदेश महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र आनंद रावत के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने शराब की मोबाइल वैन बनाकर सरकार पर व्यंग्यात्मक विरोध किया। गली मोहल्लों में गाड़ी घुमाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर आनंद रावत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि घर घर जाकर जब सरकार शराब मोबाइल वैन से बिकवा रही है तो अब त्रिवेंद्र रावत को एक टोल फ्री नंबर भी लोगों को दे देना चाहिए, जिससे कि मुख्यमंत्री हाउस से भी शराब की बोतलें जा सकें। प्रदेश सरकार का फैसला है कि शराब का वितरण अब मोबाइल वैन के माध्यम से होगा, जिसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और साथ ही साथ एक व्यंग्यात्मक कार्यक्रम है जिसमें हम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक वो टोल फ्री नंबर भी जनरेट कर लें ताकि किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति को शराब नहीं मिल पा रही तो टोल फ्री के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास से शराब की डिलीवरी उस व्यक्ति तक पहुँची जा सके और साथ ही साथ हम मातृशक्ति को भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आपने विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार यहाँ पर स्थापित की थी लेकिन ये विकास को भूल करके केवल शराब वितरण में लगे हैं और जैसा कि हमारी सरकार ने शराब वितरण का काम सिंडिकेट से छीन करके मंडी परिषद को दिया था लेकिन इस सरकार ने मंडी परिषद से वो शराब का कारोबार लेकर के फिर से
उन कुछ चुनिंदा सिंडिकेट और व्यापारियों को दे दिया, और उन व्यापारियों ने इस सरकार को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया था, तो ये सरकार उन सिंडिकेट के दबाव में है। और इसीलिए जब मातृशक्ति में दुकानें खुलनी नहीं भी शराब की, तो ये सरकार अब मोबाइल वैन के माध्यम से शराब का वितरण। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए नेशनल लाइव। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर। जिससे हो आपका सरोकार, हर खबर हर पल केवल नेशन लाइव पर। अगर है कोई शारीरिक परेशानी या मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं आप, हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। नेशन लाइव पर हर पल आपके साथ। बेटी तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। आज ही मिस्ड कॉल दें 7678076780 पर। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। अगर है कोई शारीरिक परेशानी या मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं आप, हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। नेशन लाइव पर हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हल्द्वानी में नशा छुड़ाने वाली संस्था निर्माण नशा मुक्ति केंद्र से देर रात 13 नशेड़ी केंद्र के सुरक्षा कर्मचारियों को घायल करके फरार हो गए, जिसके कुछ देर बाद एक नशेड़ी केंद्र से थोड़ी दूर पर संदिग्ध रूप से मृत मिला और बाकी 12 नशेड़ी मौके पर फरार थे। पुलिस ने मृतक नशेड़ी का पंचनामा कर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बता दें कि मृतक बरेली के अली क्षेत्र में एक कारोबारी का बेटा था, जिसे केंद्र नशा छुड़ाने के लिए भर्ती किया गया था। सुधार के लिए आए थे, वो कैदी भी नहीं है बहरहाल, सुधार के लिए आए थे। वो लोग वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के साथ मार पिटाई करके भाग गए, और उसके भागने के बाद रात को उनमें से एक उनको मिल गया था, जो कि घायल अवस्था में था और अस्पताल में जिसकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में उसका पंचायतनामा भर दिया गया, पोस्टमार्टम वगैरह उसके फैमिली वगैरह को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, और उसके बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये भले ही इंसाफ 8 साल बाद मिला हो, पर आखिरकार कविता और उसके परिजनों को इंसाफ मिल गया, जिसका उनको इंतजार था। जी हाँ,
हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2009 की वो भयानक शाम का मंजर कविता के परिवार वाले आज तक नहीं भूले होंगे। आज तक भी इस परिवार को जब वो मंजर याद आता है तो सिहर उठते हैं। अगर बात करें कविता के परिवार की तो ये बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। बात 18 दिसंबर 2009 की घटना का है। कविता शाम के वक्त ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी, तभी एक तरफा प्यार करने वाले एक सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेम को कबूल न करने से नाराज होकर एसिड से भरी बोतल उसके चेहरे पर उड़ेल दी, जिससे उसकी चीखों से पूरा मोहल्ला दहल उठा। आनंद फानंद में कविता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो मंजर उस दिन लोगों ने देखा उसे याद कर वो आज भी दहल उठते हैं। हाईकोर्ट के फैसले ने कहीं ना कहीं इस परिवार को राहत देने का काम किया है। कोर्ट के इस फैसले से पूरा परिवार संतुष्ट नजर आया और साथ ही परिजनों का कहना है कि आरोपी को 10 साल की सजा और 5 लाख का मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश से वो बेहद खुश है। इस तरह के फैसलों से अपराध करने वाले लोगों में कमी आएगी और वो इस फैसले से काफ़ी उत्साहित दिखे। लड़की ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से आते हुए एक लड़की को तेजाब लगा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में अपर जज के यहाँ से मुकदमा दायर किया गया, वहाँ मुकदमा रख गया। मैं कुछ ना जगह बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी और के साथ भी ऐसा कोई कांड हो तो उसमें भी ऐसे ही फैसले आते रहें तो हौसला बुलंद रहेगा लोगों का और ये कांड कम से कम होंगे। मैं बेटी की शादी कर दी है। किसी लड़की के साथ भगवान ऐसा ना करे, किसी की भी बेटी हो, बेटी सबकी ऐसी हो, मुझे पता, मेरे दिल को पता। जैसे मेरी बेटी रात रात भर रोई पड़ पड़ कर और मैं रात भर उसकी कोड़ी भर भर कर बैठी हूँ। दो तीन महीने तक मैंने ऐसे डूब लिए उसके साथ कि मैं बता नहीं सकती आपको। कलेजा फट जाता था जिस वक्त वह रोती है, मम्मी मुझे बचा ल, है मम्मी मुझे बचा ल। अब बाप तो चलो बाहर पड़ा, लेकिन मैं तो उसके पास रहती थी हर टाइम। जैसे मेरी बेटी रात भर तड़पी है, मैं उनको भगवान किसी के बच्चे को साथ ऐसा व्यवहार ना करे। फैसला दे दिया तो संतुष्ट है भाई, चलो कुछ तो हमें फैसला मिला। नहीं तो समाज में लोग नुकाते भाई तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया, आपने क्या निर्णय लिया, क्या आपको फैसला मिला, क्या उसका कर लिया तुमने? क्या आप चाहते थे कि इससे भी कुछ ज्यादा कोर्ट जो है सुना था? देखो ये तो इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जो उन्होंने फैसला दिया सही दिया। वो लड़की को सौंपेंगे और किसे सौंपेंगे लड़की का? और इस पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रुड़की से सलमान मलिक जुड़ गए हैं। सलमान, क्या था पूरा का पूरा मामला? कविता के साथ ये कैसे हुआ था हादसा? देखिए आलोक, आपको बता दूं जिस तरीके से ये घटना बीती 18 दिसंबर 2009 की है, जहां पर एक तरफा प्यार करने वाले एक आशिक ने अपनी प्रेमिका की इस पर कर दिया था। बताया जा रहा है कि जो कि ये जो ये छात्रा थी उस समय 2009 की जो घटना है, अब जो बताया गया है परिजनों के मुताबिक जो ये छात्रा थी इसे बेइंतहा प्यार करता था वो छात्र, लेकिन आरोपी जो प्यार करता था, लेकिन जो है उसने जो इस छात्रा को जो प्यार का जो इजहार किया था इजहार ना करने के कारण उस जो युवक ने इसके ऊपर एसिड से इसके ऊपर हमला कर दिया था। जो वहाँ पर जो जिस जगह पर वहाँ पर जो हमला किया गया था वो कोचिंग से आते समय इस छात्रा के ऊपर हमला किया गया था, जहाँ की ये घटना है। वहाँ पर जो परिवार वाले जो वहाँ पर रह रहे थे और लोग भी वहाँ पर जो घटना स्थल पर रहने वाले थे, वहाँ पूरी तरीके से दहशत का माहौल हो गया था। लेकिन मैं आपसे एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जब ये हमला हुआ तो क्या वो पीड़िता के मतलब मोहल्ले में ही आकर उसने ये हमला किया था? देखिए पीड़िता ने कोई ऐसा हमला नहीं किया था, बल्कि पीड़िता जो थी वो कोचिंग से ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी, तभी अचानक वो घर की जो गली से मुड़ रही थी, घर जाने की तैयारी कर रही थी, उसी समय अचानक वहाँ पर जो आरोपी आया और उसने एकदम तुरंत उसके चेहरे पर एसिड से हमला कर दिया, जो कि बुरी तरीके से वो झुलस गई और सड़कती रही। वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आनंद फानंद में उसको पकड़ने की कोशिश की आरोपी को, लेकिन आरोपी वहाँ मौके से भागने में फरार होने में कामयाब रहा और पीड़िता को आनंद फानंद में जो नजदीकी अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चला। लगभग कई महीनों तक पीड़िता का इलाज भी चलता रहा, लेकिन जो परिवार है जो पीड़िता का वो इंसाफ की गुहार लगाता रहा। 2009 की घटना है, लेकिन अब 2017 है और जा करके इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है और जा करके जो आरोपी है उसको सजा मिली है। सलमान, जब ये घटना हुई तो ये 2009 की घटना थी, तो अपराधी उसके कितने दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आया था?
देखिए आपको बता दूं जिस तरीके से ये जो पुलिस की गिरफ्त में आने की बात कही जा रही है, लेकिन पहले पुलिस की गिरफ्त में आया था मामला, जो परिजनों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो मामला है जेब गर्म करने का मामला सामने आ रहा था, लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट में इसकी अपील लगाई, पहले भी कोर्ट में अपील लगाई, लेकिन अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला था। जो पीड़िता है अब उसकी शादी भी हो गई, वो अपने परिवार में खुशहाल ले रही है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया है और उनका साथ तौर से जो पीड़िता के जो परिवार का कहना है कि कहीं ना कहीं जो अब सरकार बदली है तो और जो ये प्रशासन की जो ये दबंगई, मतलब अब ये जो हरकत में जो प्रशासन आया, कहीं ना कहीं अब उनको ये जो आश्वासन मिला है और जिस तरीके से अब इनको इंसाफ मिला है उसको लेकर उनमें बड़ी खुशी की लहर है कि अब उनको एक इंसाफ मिला है, जो पहले उनको इंसाफ नहीं मिल पाया था, अब उनको एक बहुत बड़ी खुशी उनके चेहरे पर जाहिर दिख रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सलमान हमसे बात करने के लिए और हमको ये पूरी पूरी जानकारी बताने के लिए कि कविता को भले ही 8 साल बाद लेकिन वो इंसाफ मिला जिससे कि उसके माता पिता और पूरा का पूरा समाज पूरा संतुष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये प्रदेश के सीमांत जिला चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन अपने चरम पर है। बद्रीनाथ धाम, माणा, वसुधारा, सतोपंत सहित लोकपाल हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, कुंवारी पास, औली और भविष्य बद्री जैसे तीर्थाटन और पर्यटन स्थल इन दोनों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से गुलजार है। उच्च हिमालय क्षेत्र में खुशगवार मौसम के चलते पर्यटकों का रुख जहां विश्व धरोहर फूलों की घाटी सहित औली कुंवारी पास की तरफ खूब हो रहा है। तो ये राज्य को खुले में शौच मुक्त करने का दावा त्रिवेंद्र सरकार का हवा हवाई साबित हो रहा है। सूबे की लालकुआ विधानसभा में आज भी हजारों लोग बोतल लेकर जंगलों और रेल पटरियों के आसपास खुले में शौच करने को मजबूर है। एक तरफ सरकार उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त कर देश का चौथा राज्य बनाकर केंद्र से पुरस्कृत हो रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। आज भी सड़कों के किनारे रहने वाले मजदूर, गौला में काम करने वाले मजदूर अपनी बस्तियों में रहकर खुले में शौच करने को जाते हैं। लालकुआ के खड्डी मोहल्ला, नगीना कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी में सैकड़ों परिवारों ने शौचालय तो कभी देखा ही नहीं और महिलाओं और लड़कियों आज भी बाहर जाते हैं। या हम सब लोग मानते हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। घर अलग बनेंगे, नए घर बनेंगे, परिवार में विभाजन होगा तो चलता रहेगा। उन्होंने संभवतः जो घोषणा की है वो पिछले किसी आंकड़े के आधार पर की है। आज मेरा मानना यह है और मैंने भी घोषणा किया कि लालकुआ विधानसभा को शौचालय की समस्या से मुक्त करूंगा, जिसमें मैं लगा हुआ हूं। हम भी ढूंढ खोज कर रहे हैं, लोग हमारे पास प्रार्थना पत्र लेके आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि शौचालय की समस्या से वास्तव में मुक्ति मिले। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा अपनी जगह सही हो सकती है, किसी पिछले आंकड़े के आधार पर ठीक होगी वो, लेकिन तब से समय के हिसाब से ये समस्या बढ़ती रहती है। इसका समाधान भी साथ साथ होगा, तब भी समस्या फिर भी बनी रहेगी, लेकिन कोशिश ये होगी कि अधिकतम समाधान इसका हो जाए। और व्यवस्था करना थोड़ा कठिन होता है। एक दो जगह पहले ग्राम सभा स्तर पर प्रयोग हुए और सफल नहीं हुए, तो कोशिश करेंगे कि शौचालय तो व्यक्तिगत ही बनाएंगे ताकि आदमी खुद सफाई करे, खुद उसका उपयोग करे। और जहां पर सार्वजनिक, जैसे अभी लालकुआ में 2 हाईटेक शौचालय स्वीकृत हुए थे, एक चोरगलिया में स्वीकृत हुआ है, जहां चौराहे हैं, जहां बसें रुकती हैं, जहां यहां पर इस टाइप की समस्या है, वहां पर वो ठीक है, लेकिन गाँव के अंदर सामूहिक शौचालय चलना संभव नहीं है उसके बजाय। तो ये पर्यटक स्थल धनौल्टी के पास रौसली खाल में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग और उप जिलाधिकारी पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने खट्टर कॉटेज के कमरे की दीवार पर लगी 2 वन्य जीव की खाल प्राप्त की है। संयुक्त टीम ने खाल को सीज करके वन विभाग को अपने कब्जे में रखवा दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि अब तक वन विभाग ने कॉटेज के स्वामी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जबकि जंगली जानवर को मारना और उसकी खाल रखना प्रतिबंधित है, फिर भी कॉटेज स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि संयुक्त टीम ने खुलेआम खट्टर कॉटेज की अंदर दीवार पर लगी खाल को निकाल कर सीज किया है। आखिर कब होगी खट्टर कॉटेज के स्वामी के खिलाफ कार्रवाई, इसका सवाल हर कोई पूछ रहा है। रौसली खाल के पास एक रिजॉर्ट से 3 खाल सीज करा है और ओनर को नोटिस दिया था एक हफ्ते का नोटिस कि वो अपने पेपर्स जो है प्रस्तुत करने के लिए। इसमें जो ओनर है उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये बाहर से, विदेश से लेके आया है। तो अभी तक जहाँ तक स्पीशीज का सवाल है, ये हम सैंपल जो है WIA को भिजवा देंगे, तभी पता चलेगा क्या। इसमें अभी कोई कमेंट करना उचित नहीं है, जब WIA अपने रिपोर्ट हम अपने सैंपल भेजेंगे, जब रिपोर्ट आएगा तभी पता। मानसून सत्र के दौरान होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई। जिले के अधिकारियों को मॉक ड्रिल के पश्चात अब विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे आपदाओं के समय प्रशासनिक खामियां न रह सके। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिले में 22 जून से 27 जून तक अधिकारियों को आपदा से लेकर काल्पनिक घटनाक्रम दिए जा रहे हैं और उन पर तत्काल कार्य होगा।
इसको लेकर विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी जानकारियां भी दी जा रही हैं। पूर्व में जिला प्रशासन 7 डेस्क सिस्टम के तहत आपदाओं में कार्य करता था, जिसको लेकर कई खामियां नजर आई थी। अब IRS के तहत प्रशासनिक कर्मियों को तैयार रहने को लेकर ये नया प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट को टाइम स्लॉट दिया गया था। हमें 22 जून से शुरू किया था, 27 जून तक हमारे पास टाइम है। तो राज्य से जो हमारे IRS विशेषज्ञ हैं श्री गणनायक जी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। सभी अधिकारियों को IRS से संबंधित ट्रेनिंग एक बार दोबारा दी जा रही है। इसके साथ साथ हम लोग इस बार मॉक एक्सरसाइज से हट करके सिमुलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सिमुलेशन एक्सरसाइज में जितने भी हमारे हेड हैं, ऑपरेशन सेक्शन चीफ हैं, प्लानिंग सेक्शन चीफ हैं, इन सभी को इनकी जिम्मेदारियों के संबंध में सिमुलेट करके सिचुएशन दी जाएगी और उसके बाद हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ अधिकारी उपस्थित नहीं हैं तो उनके लिंक अधिकारी उपस्थित हैं। आज हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर इनकेस किसी आपदा की दृष्टि में और अगर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनकी जगह पर कौन उस समय IRS सिस्टम में काम करेगा, तो ये भी चीज़ें इस समय। तो सितारगंज के उधम सिंह नगर जीरो बंदे के करीब ग्रामीणों पर प्रशासन और वन विभाग का डंडा चला है। प्लॉट नंबर 7 में वन विभाग की जमीन पर ग्रामीणों द्वारा किए गए कब्जे को वन विभाग द्वारा बलपूर्वक हटाने के प्रयास में झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग पर फायर कर झोपड़ी जलाने का आरोप लगाया है। गाँव में प्रशासन और वन विभाग की टीम द्वारा चले डंडे में कई परिवारों की छत भी छीन ली है। बैगुल डैम का इलाका है, तो 1975 में जब डैम बना था तो इसमें फॉरेस्ट की भी लैंड ली गई थी। तो डैम तो पूरा हो चुका है, उसके बाद ये जो बची हुई ज़मीन है ये फॉरेस्ट को वापस होनी थी। तो इस लैंड में, फॉरेस्ट लैंड पर, रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ लोगों ने अनाधिकृत झोपड़ियाँ डाली हैं जो 50 से 60 की संख्या में है। फॉरेस्ट ने पिछले 2-3 दिनों से इनको नोटिस भी दिया था कि आप इनको खाली कर लें, तो उसके बाद आज ये हटाने की जब कार्रवाई हुई है तो थोड़ा सा इनकी तरफ से प्रतिकार हुआ है भीड़ की तरफ से, तो कुछ आगजनी की घटनाएं भी हुई है। अभी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, मेरे साथ CO साहब भी हैं, कुतवाल साहब भी हैं, देख रहे हैं मामले को, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट से इसमें अधिकार कहना है। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए मिशन लाइव।